प्रयागराज हिंसा के बाद एक्शन में प्रशासन। शहर में कई अवैध कब्जे ध्वस्त किए गए हैं, चिन्हित किए गए हैं और आगे भी ऐसी कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। प्रशासन ने उपद्रवियों की लिस्ट भी तैयार की है और इस लिस्ट को प्राधिकरण को भेजा गया है। तो प्रयागराज हिंसा के बाद पुलिस लगातार एक्शन में दिखाई दे रही है। उपद्रवियों की लिस्ट तैयार की गई है और प्रयागराज हिंसा केस में प्रशासन के सख्त रुख का असर अवैध कब्जाधारियों पर लगातार देखा जा रहा है। अठाला क्षेत्र में कई अवैध निर्माण चिन्हित किए गए हैं जिसमें कई दुकानें और मकान शामिल है। प्रशासन ने प्रयागराज को सुलगाने में शामिल आरोपियों की लिस्ट प्राधिकरण को भेज दी है। 10 जून को प्रयागराज में जुमे की नमाज के बाद हुई हिंसा और बवाल के मामले में जहां मुख्य जो साजिशकर्ता के तौर पर चिन्हित जावेद मोहम्मद के घर का डिमोलिशन किया गया है, वहीं दूसरी तरफ अब अटाला चौराहे के आसपास के बाजार जो हैं उसमें तमाम दुकानों को खाली करने का सिलसिला शुरू हो गया है। प्रयागराज हिंसा मामले में जावेद पंप के मकान को गिराने के बाद अब गलत और अवैध कब्जा करने वालों के मन में प्रशासन का खौफ साफ देखा जा सकता है। माहौल ये है कि कहीं तोड़ा जाएगा पूरा ये, जबकि स्कूल के कैंपस में आती है जगह यहाँ तक। हाँ। लेकिन फिर भी हम एहतियातन हम लोग हटा रहे हैं कि उन लोगों को कोई आइडिया नहीं है बाहर। कोई नोटिस तो मिला नहीं फिर क्यों? सर नोटिस अगर आती भी है तो वो स्कूल अथॉरिटी पास आएंगी। हाँ। अब वो अगर देर कर दी तो हम लोगों का सारा नुकसान हो जाएगा, हम लोग दुकानदार आदमी है। प्रशासन का लाव लश्कर भारी पुलिस बल के साथ चप्पे चप्पे पर नजर दौड़ा रहा है। जहां मवेशियों को बांधकर अवैध कब्जा किया गया था उन्हें भी कब्जा मुक्त कराया गया। खासकर उन इलाकों में सर्च किया जा रहा है जहां के लोगों पर दंगा में शामिल होने का आरोप है। कुल 37 उपद्रवियों के खिलाफ प्रशासन जल्द कार्रवाई का मन बना रहा है। जिसके भी नाम सामने आ रहे हैं, जिसके भी वीडियो से पहचान हो रही है, उनके नाम पते प्रयागराज डेवलपमेंट अथॉरिटी को शेयर किए जा रहे हैं। अब उनका काम है कि इस पे होमवर्क करे, किसका निर्माण अवैध है किसका वैध है। अवैध निर्माण होगा तो लाजमी है कि इसका नियमानुसार ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जाती है, वो पीडीए करेगी, पुलिस प्रशासन पूरा सपोर्ट में रहेगा। अब धीरे धीरे जो अतिक्रमण विरोधी अभियान है, जो अवैध निर्माण है, जो उपद्रवियों की संपत्ति है उस पर बुलडोजर चलने का सिलसिला जिस तरह से शुरू हुआ है उसके बाद इस पूरे क्षेत्र में एक भय दिखाई दे रहा है। प्रयागराज से वीडियो जर्नलिस्ट विवेक श्रीवास्तव के साथ मानवेंद्र प्रताप सिंह, न्यूज़ स्टेट, उत्तर प्रदेश।